यहाँ हेमंत सोरेन जी सोए हुए हैं, जल जंगल की पार्टी है, इतने आदिवासी मर रहे हैं, आदिवासी जमीन को छीना जा रहा है, इनको तो हम तो अभी भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को अविलंब टास्क फोर्स बना करके जहाँ जहाँ जमीन पर लोग कब्जा कर रहा है चिन्हित करके उसको जो है दखल दहाने का काम। हमारे यहाँ के जो पदाधिकारी लोग हैं वही लोग हम CND एक्ट SPT एक्ट का खुल्ला खुल्ला उल्लंघन कर रहा है। इन लोगों को तो फांसी होना चाहिए। जो हमारे मैंने जो रक्षक है बन के आए हुए हैं हमारे जल जंगल को सुरक्षा करने के लिए ऊंचे पदाधिकारी के लोग जो है इन लोगों का फांसी होना चाहिए। हम लोग कोई छोटा सा चोरी करते हैं चाहे ये करते हैं तो उसमें हम लोग को सजा होती है और इन लोगों को सजा क्यों नहीं होती। अब तक जो है यहाँ का जो आदिवासी के पीछे शोषण करने के लिए नहीं छोड़ेगा, पता नहीं आदिवासी जो लोग जो जब आ जाएंगे रूट में तो क्या क्या लोग को जो है करना वाला है, तो झारखंड छोड़ के भागना होगा गैर आदिवासी। यहाँ नहीं, ये कांके ब्लॉक नहीं, पूरा झारखंड का हम लोग अब आंदोलन करेंगे कि आदिवासी के धरती में जितना जमीन है वो वापस करे, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे, रोड में बैठेंगे, ब्लॉक में बैठेंगे, जहाँ होगा वहाँ धरना देंगे। जमीन की लूट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो हेहल का मामला हो, चाहे वो रामपुर का मामला हो, चाहे कांके का मामला हो, लगातार हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं कि किस तरह राजधानी रांची में पहनाइल जमीन हो, भुहरी जमीन हो या फिर रैयती जमीन हो, आदिवासियों के सांस्कृतिक सामाजिक रैयती कमी कहनी हर जमीन पर गैर आदिवासियों का कब्जा होता जा रहा है, बिचौलियों का कब्जा होता जा रहा है। अब आदिवासी समाज पहले तो पुलिस का चक्कर लगाते थे, कोर्ट का चक्कर लगाते थे, लेकिन अब त्वरित कार्रवाई पे उतर आए हैं। अब त्वरित उनको कार्रवाई चाहिए क्योंकि बार बार थाने और कोर्ट का चक्कर लगा के समाज अब थक चुका है। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के कांके के भिट्ठा इलाके में, भिट्ठा कहिए जगतपुरी कॉलोनी है, और इस कॉलोनी सकते हैं ये आदिवासी प्लॉट रैयती प्लॉट पर बना हुआ है, और इस रैयती प्लॉट में आप इमारत देख सकते हैं, बहुत बढ़िया मकान बनाया है गैर आदिवासियों ने, और आदिवासी जो इसके रैयती हैं, जो रैयती परिवार के हैं, लगातार वो इस तरह की अपने मामले थाना में लेके जा रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और आज आदिवासी जन परिषद के साथ देने से और उनके नेतृत्व में परिवार आ जाया है और घर पे कब्जा कर रहा है। दिखा रहे हैं ये देखिए, अभी सरना झंडा गाड़ दिया गया है, गेट बंद था, गेट को तोड़ा गया, तोड़ने के बाद अभी सरना झंडा गाड़ा जा रहा है, ये गेट को ताला मारा गया था, अंदर थे आदमी लेकिन बाहर से ताला मारा गया था, इसको तोड़ के अंदर घुसा गया है और इस पे अब कब्जेवारी होगी। एक तरफ झंडा लग चुका है, ये दूसरी तरफ झंडा लग रहा है। हम अभी जो आदिवासी जन परिषद के सदस्य हैं और परिवार के सदस्य हैं उन्होंने आदिवासी भवन यहाँ पे लिख दिया, हम घर के अंदर घुसेंगे, इसी घर के कब्जा कर नहीं।
परिवार को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आप आराम चले जाइए। देखिए बहुत अच्छी खबर ये है, यहाँ ये बच्ची रो रही है, अभी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, रोने की बात नहीं है। चलो आपको समय मिल गया, तब तक आपको परेशान होने की मैम अभी ठीक है। आप घर के अंदर घुस रहे हैं, क्या कह रहे हैं घर के लोग? यहाँ तक घर के लोग बोल रहे हैं कि आदिवासी जब हम क्या कह सकते हैं, तो आप स्कूल हम लोग खोलेंगे, आदिवासी गरीब को पढ़ाएंगे, घर के लोगों को बाहर नहीं जाइए, आप ऊपर आपने इनको थोड़ा वक्त दे दिया है ना, आपने इनको थोड़ा वक्त दिया है, बहुत वक्त दिया, बहुत वक्त दिया, बहुत जमीन का नेचर आदिवासी है और अभी भी रसीद कर रहा है। देखिए मालकिन है, देखिए मालकिन है, पूछ लीजिए इसमें सबसे बड़ी बदमाशी किसकी है, मतलब अंचल को तो रसीद वसीद काट रहा है और थाना, अरे अंचल को है और प्रशासन को है और यहाँ के मुख्यमंत्री को भी है। अच्छा, आदिवासी बिल्कुल संज्ञान नहीं लेता है लिखा पढ़ी करने के बाद भी भाई पर भी आदिवासी तो ये रैयत है, उनका ही ये जमीन है, कितने साल से आप इस जमीन के पीछे लगे हैं कि ये जमीन हम लोग का 2014 से हम लोग लगे हुए हैं, इसमें हम लोग ना जब जल्दी बनाता है सब कुछ करता है, कैसे करता है पता नहीं, कितने करता है पता नहीं, दलाल लोग ऐसा करता है, तो क्या कोई लोग करता है कुछ पता चला, कैसे हेरा फेरी कर रही है, हम लोग को कुछ पता नहीं, हम लोग को एक रुपया भी नहीं मिला है, कैसे जमीन के मालिक दादा क्या नाम है? दादा आपकी जमीन है, कब से यहाँ पे बस गए हैं, इतना बड़ा मकान बना लिया? लॉकडाउन था ना 2016 में, बाकी से लॉकडाउन में भी थाना आना जाना होता था, सही नहीं था थाना वाला भी सरकार होता है कि पैसा नहीं आता है, एक बार आई को किया था तो पैसा भी नहीं लाए है ना, पैसा भी पैसा किसको दिए? केके रॉय था, केके रॉय थाना प्रभारी कौन था? हाँ केके रॉय था, वो बीस हजार रूपए क्या पता नहीं तो क्या नाम बताए, केके रॉय, केके रॉय जिनको पैसा भी दिया गया था जमीन पे कि यहाँ पे कब्जा वारी हटाइए, रोक लगाइए, रोक भी लगाया था, पैसा लेने के बाद में की पैसा लेने के बाद रोक लगाया था, कितना पैसा दिए थे थाना में? 5,000 दिए थे, बताइए आदिवासी समाज घूस भी दे रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है, लास्ट ही आज उनको कदम उठाना पड़ रहा है, अपना घर मामलों को मजबूरी से कदम उठाना पड़ रहा है, क्या काम करते हैं? मिस्त्री का काम करते हैं, मिस्त्री का मकान मकान बनाने वाला, सेंट्रिंग मिस्त्री, सेंट्रिंग मिस्त्री है। आप दीदी क्या करते हैं? हम तो घर में बच्चा लेके हैं, हम लोग का मुसीबत बहुत खराब है, हमारा एक बच्चा था 15 साल का, उसको दफन करने भी नहीं दे रहा था, इतना इतना खराब स्थिति मेरे साथ में, चले नीचे की देखिए हर जगह आदिवासी भवन यहाँ पे दिया जा रहा है और फिलहाल यहाँ पे रहने के लिए उनको बाहर निकाला गया है, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी समाज घर में ताला लगाएगा, आदिवासी भवन हर जगह पे लिख दिया गया है। प्रेम साई मुंडा जी हमारे साथ है, आदिवासी जन परिषद के नेतृत्व में अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं। दादा इतनी क्या मजबूरी हो गई कि आपको यहाँ आके काम करना पड़ा जो पुलिस का काम है? मजबूरी जिला प्रशासन का है, हम लोग ने लिख के दिया, थाना में भी दिया, थाना वाले हरकत में नहीं आ रहे हैं, जिला पुलिस हरकत में नहीं आ रहा है, तो हम लोग बिरसा मुंडा के तर्ज पर जो है जहाँ जहाँ गैर कानूनी ढंग से हमारी जमीन को छीना जा रहा है, सीधा हमला कर हम लोग उस पर आदिवासी भवन बनाएंगे और गरीब आदिवासी को पढ़ाएंगे, बिल्कुल जहाँ जहाँ रहेगा और भी हमारा अभियान चल रहा है। अच्छा ये बात बताइए, आजकल आदिवासी हर जगह त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, बाउंड्री गिरा रहे हैं, घर में दखल दिया नहीं, खुद से करा ले रहे, कानून प्रशासन सरकार का क्या काम? अरे यहाँ सरकार की कोई काम नहीं, सरकार नाम की चीज नहीं है, यहाँ हेमंत सोरेन जी सोए हुए हैं, जल जंगल की पार्टी है,
इतने आदिवासी मर रहे हैं, आदिवासी जमीन को छीना जा रहा है, उनको तो हम तो अभी भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को अविलंब टास्क फोर्स बना करके जहां जहां जमीन पर लोग कब्जा कर रहा है चिन्हित करके उसको जो है दखल के हानि का काम करें, अन्यथा हम लोग बिरसा मुंडा की तरफ पर हम कब्जा करेंगे। एक बात बताइए, जब भी जमीन की लूट होती है आदिवासी बिचौलिए भी सम्मिलित रहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? यहाँ भी जरूर होगा, देखिए यहाँ पर आदिवासी दलाल भी होंगे, लेकिन आदिवासी दलाल को भी हम लोग सेंद्रा करने का काम करेंगे, समय आएगा ये जान लीजिए। दलाल का कोई जात नहीं होता, दलाल आदिवासी भी हो सकता है, आदिवासी भी हो सकता है, यदि हमारे भी दलाल पैदा होंगे तो उसको भी हम लोग अल्लाह बोल करेगा। यहाँ क्या करिएगा आप लोग, रहिएगा, बोलिए, रहेंगे यहाँ पर सब, रखेंगे समाज को दे देंगे, समाज हम लोग मदद कर रही है, समाज को समाज स्कूल खोलेंगे, हम भी रहेंगे, समाज को देखा स्कूल खोलेंगे, परिवार रहेंगे, ताला तोड़ा गया, स्कूल खोलेंगे, तो मेरा पूरा देख बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जो कब्जा करके रह रहे आदिवासी जमीन को वापस दिलाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं धीरे धीरे माफियाओं में कहीं ना कहीं डर पैदा होने लगा, जमीन अभी आ रहे हैं लोग, चार आदमी नाम तुम कर रहे हैं, चार आदमी और टोपो करके कोई है, श्यामल टोपो, कनका टोपो और दो आदमी है, जिनका चारों आदमी का कहना है कि ये हम लोग टोपो है और इनको वंशावली के अंतर्गत ये पोस्ट बच्चे हैं हमके। सर ये ठीक है, हम समझ गए, लेकिन आपको पता है कि आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी नहीं ले सकता। मैम एक बात बताइए, यहाँ 99% आदिवासी जमीन लिया गया, सर सब चोरी करेंगे तो आप भी करेंगे, नहीं तो सबको लेकर बना कितना IAS IPS सारी चोरी करेंगे तो आप भी करेंगे, हम तो चोरी तो नहीं कर रहे, हम तो मालिक लोग को पैसा दे के लिए, ये यहाँ का पूरा आदिवासियों का ये कानून है सर कि आप आदिवासी जमीन नहीं ले सकते, ठीक है ना, ठीक है ना, फिर भी आप लिए सर, गलती तो है सर, गलती तो है, हमने सबको देखा देखी किया था, हमने वही तो कह रहे सारे। छवि रंजन जी जेल में चले गए, छवि रंजन जी जेल पे चले गए तो बिल्कुल, आप देखिए ताला लग चुका, ताला तोड़ा गया, अंदर घुसा गया, लोगों को बाहर निकाला गया, जो यहाँ रहते थे उनको बाहर निकाला गया, देखिए क्या पूरा परिवार है, आलोक सिन्हा जी नाम है इनका, इन्होंने ही कब्जाबारी करके रखा था, जैसे भी आपने ये जवाब बता रहे हैं कि हमने किस तरह से जमीन लिया टोपो बोल के या फिर बुजुर्ग बोल के, है ना, लेकिन इनको निकाल दिया गया है, ताला मार दिया गया है, यहाँ पे इनके आदिवासी भवन और ये शर्मा झंडा लगा दिया गया है, ये है आदिवासियों की ताकत, आदिवासी अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता, अगर वो गोलबंद हो जाए, एकता में आ जाए तो हर कुछ वो काम कर सकता है। जो लोग आए हैं उनसे बात करें, ये बताइए त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग, जहाँ भी गैर आदिवासी कब्जा करके बैठे हैं उनको खदेड़ने का काम कर रहे हैं, ये नौबत ही क्यों आ रही है? देखिए हम तो कहना चाहेंगे इस प्रदेश में हम लोग के तमाम कई थाना से अंचल से लेकर थाना से लेकर मैंने कोर्ट कचहरी तक हमारे आदिवासी भाइयों के जमीन पर सबका नजर लगे हुए हैं, इसलिए हमारा मैंने आप तो जान रहे हैं हम लोग कोई नया नियम नहीं है, नया नियम करने जा रहे हैं, ना हम लोग कानून को तोड़ने जा रहे हैं, और हमारे यहाँ के जो पदाधिकारी लोग हैं वही लोग हम CNT Act SPT Act का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहा है, इन लोगों को तो फांसी होना चाहिए, जो हमारे मैंने जो रक्षक है बन के आए हुए हैं हमारे जल जंगल को सुरक्षा करने के लिए उच्च पदाधिकारी के लोग जो है इन लोगों का फांसी होना चाहिए, हम लोग कोई छोटा सा चोरी करते हैं चाहे ये करते हैं तो उसमें हम लोग को सजा होती है, और इन लोगों को सजा क्यों नहीं होती है, तो इसीलिए आप लोग भी समझिए, इस बात को समझिए, इसमें सब पदाधिकारी लोग और हमारे जनप्रतिनिधियों इसमें लिप्त है, और खास करके मैंने पैसा मैंने इन लोग का कमीशन आता है, घर बैठे सब पदाधिकारियों का कमीशन आता है, जनप्रतिनिधियों का कमीशन आता है, और
धड़ल्ले से आदिवासियों का जमीन लूटा जा रहा है। आज नहीं, आज देखिए ना, पूरा रांची में देखिए, पूरा टाउन में देखिए, पूरा झारखंड में देखिए। इसलिए हम लोग प्लान बनाए हैं आदिवासी जन परिषद के तत्वावधान में एवं सभी आदिवासी समाज के जो संगठन है, छोटे छोटे संगठन है, सब मिल के पूरे प्रदेश में हम लोग इस तरह का मुहिम चलाएंगे और आदिवासियों को जो लूटी हुई जमीन, हड़पी हुई जमीन है, जो CNDA TSPD Act का जो उल्लंघन हुआ है, उसको हम लोग निरस्त करेंगे और आदिवासी समाज को हम लोग लाभ दिलवाएंगे और उनको कब्जा दिलवाएंगे। यही आशा और उम्मीद लेके हम लोग घर से निकले हैं। हम लोग न थाना को डरेंगे, न कोर्ट को डरेंगे, हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग का कहना है CNDA TSPD Act को धरातल में उतारो। यहाँ का मुख्यमंत्री को हम संदेश देना चाहते हैं, यहाँ का DC को संदेश देना चाहते हैं, जो CNDA Act रहते हुए हमारे जमीन किस उद्देश्य से, किस नियम से हमारा जमीन लूटा जा रहा है, मैं तो यही कहना चाहूंगा। तो इसमें सभी पदाधिकारी लोग, जनप्रतिनिधि लोग इसमें लिप्त है। क्या नाम है दादा? मेरा सावन सिंह मुंडा नाम है। मैं आदिवासी जन परिषद के जिला पर जिला अध्यक्ष हूँ, रांची जिला। ये है आदिवासी जन परिषद की पूरी टीम जो पूरे दमखम के साथ आ जाई है और एक बार नहीं जमीन को कब्जा से मुक्त करवाई है। दादा क्या बोलेंगे, बहुत बड़ा कदम उठाई है जन परिषद। देखिए, हम लोग आदिवासी हैं और हम लोग जब थक जाते हैं ना तब कदम उठाते हैं। सरकार के पास या कानून के पास में देखते होंगे कि केस इतना पेंडिंग है, 4 से 5 करोड़ देश में केस पेंडिंग है और ज्यादातर हम लोग को देखिएगा कि रांची झारखंड में पूरे इस मैटर का मिला जाए कि मैंने हुक्मनामा जाली, हुक्मनामा जाला कागज पत्र दिखाता है, मैंने हर एक तरह के दस्तावेज दिखाता है उसे और इसी तरह के छीनना शुरू करता है जो जमीन माफिया है और इसी तरह हम लोग परेशान हो जाता है। कोर्ट कचहरी से लेकर अंचल के पास भी जाते हैं तो वही उसके जगह इस जगह परेशान हो जाता है। इसीलिए आज हम लोग चाहे कि नहीं, ये हम लोगों का जमीन है और हम लोग सोचे कि नहीं भाई, हम लोग को ऐसे कोई सुनबे नहीं करता है। थाना जाते हैं तो वही हाल है, ऊपर जाते हैं हमारा सरकार भी है तो वहाँ भी हम लोग लिख देते हैं तो वही हाल है। हम लोग करेगा, इसीलिए आज हम लोग अपने से ये चीज करने जा रहे हैं कि सतर्क हो जाए सभी लोग कि भाई ये सबका जमीन ना लूटे और इसीलिए आज हम लोग कब्जा करने के लिए आए हैं और करते रहेंगे अगर हम लोग नहीं सुनेंगे। दादा ये बताइए, आप लोगों ने जो किया दुनिया इसको देखेगी और क्या दुनिया इसका अनुसरण करेगी, क्या क्या इसका अनुसरण? हर जगह ऐसा देख रहे हैं कि पूरा झारखंड जो है आदिवासी का ही जमीन है। हाँ। लेकिन जनरल लोग आके यहाँ कब्जा करता है, यहाँ दलाल और दलाल हमारे ही आदमी आता है, कोई दूसरा बाहर का दलाल नहीं रहता है। वो लोग पैसे के बल पे कहीं भी जमीन बेच देते हैं, थाना पुलिस भी लोग सेटिंग कर लेते हैं, CO PDO भी सेटिंग कर लेते हैं और जाली पेपर बना के टोटली लोग बेच देते हैं और जिसका जमीन है और ब्लॉक जा के थक जाता है, थाना जा के थक जाता है, कहीं उसका कोई सुनवाई नहीं होता है। आज हम लोग आदिवासी जन परिषद पूरा तमाम आदिवासी यहाँ एकजुट हुए हैं और यहाँ नहीं, ये कांके ब्लॉक नहीं, पूरा झारखंड का हम लोग अब आंदोलन करेंगे कि आदिवासी के धरती हुई जितना जमीन है वो वापस करे, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे, रोड में बैठेंगे, ब्लॉक में बैठेंगे, जहाँ होगा वहाँ धरना देंगे। ये बताइए, आप लोगों ने घर से बाहर तो कर दिया, ताला मार दिया, आदिवासी भवन भी लिख दिया, दोबारा अगर ये परिवार अंदर चले गया तब क्या करिएगा? उसके लिए हम लोग फिर आंदोलन करेंगे और जितना आदिवासी, अभी तो हम लोग बहुत कम जनसंख्या में आए हैं, उसके बाद हम तमाम जितना आदिवासी है सबको बुला के और अभी तो समझिए एक घर खाली किया, तमाम घर खाली करवा देंगे। उसके बाद अभी तो हम लोग सिर्फ इन लोग को कहने आए हैं कि अभी सुधर जाए, नहीं तो तमाम आदिवासी आएंगे तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे देखिए, अच्छा कास्टिंग है दादा, कास्टिंग चला है। अच्छा, बाकी फिल्म तो बाकी है कि झारखंड में क्या होगा। अच्छा, इस तरह से आदिवासी मतलब इस तरह की कार्रवाई लगातार होती रहेगी, लगातार होता है जब तक जो है यहाँ का जो है आदिवासी के पीछे शोषण करने के लिए नहीं छोड़ेगा। पता नहीं आदिवासी जो लोग जो जब आ जाएंगे रूट में तो क्या क्या लोग को जो है करना होगा, झारखंड छोड़ के भागना होगा, गैर आदिवासियों को जो झारखंड के जो है आदिवासियों को जमीन को जो लूट रहा है तो ये लोग भूल जाए। देखिए यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ लोग आए, दिखाना दादा, यहाँ पे
बांस है, यहाँ पे कुदाल है, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, सबल, यहाँ पे सबल है। लोग तैयारी में आए हैं क्योंकि थाना से, पुलिस से, प्रशासन से, कोर्ट कचहरी, हर जगह से बोल बोल के थक गए हैं। जैसे जमीन मालिक का कहना है कि ये पूरा रूट देखिए, ये पूरा रूट देखिए और पीछे दिखाइए, मैं कहूँगी दिखाइएगा थोड़ा, सविता हमारे साथ, सविता जरा दिखाइएगा। जो आलोक सिन्हा जिन्होंने ये मकान लिया थी, जमीन लिया, तो उनका कहना है कि पूरा में तो आदिवासी बस गया, तो हम भी बस गए। हमने सवाल जब किया कि जब आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता तो आपने क्यों लिया, तो उनका जवाब वही था कि पूरे में बस गया तो हम भी क्यों ना बसे। तो फिलहाल ये हर गैर आदिवासी के दिमाग में है कि जब पूरे रांची में गैर आदिवासी भर गए तो हम क्यों ना ले। तो भाई परिणाम यही होगा जिस तरह से यहाँ पे हुआ है। कानून जिस तरह से झारखंड में है कि आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासी किसी भी तरीके से नहीं ले सकते हैं, और कानून का अगर उल्लंघन होता है और कानून के उल्लंघन पे रैयत अगर थाना जाते हैं, प्रशासन जाते हैं, और जब काम नहीं हो पाता है तो इस तरह का समाज त्वरित कार्रवाई करता है। मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जितने भी 3-4 गेट आपको लगातार दिख रहे हैं, सारे में यहाँ के अभी जो आदिवासी जन परिषद की पूरी टीम और रैयत के परिवार आए थे, उन्होंने यहाँ पे आदिवासी भवन, आदिवासी भवन हर गेट पर लिखा है। देखिए आदिवासी भवन हर गेट पर लिखा है। यहाँ पर लोगों को ये बताने की कोशिश हो रही है कि आदिवासी जमीन पर गैर आदिवासी किसी भी तरीके से नहीं बच सकते हैं। ये दूसरा हम मामला आपको दिखा रहे हैं जब आदिवासियों ने त्वरित कार्रवाई की है। इससे पहले हमने हेहल अंचल का आपको दिखाया था, टंगरा टोली का, वहाँ भी गाँव वालों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बाउंड्री वाल को तोड़ दिया था। प्रशासन से भी वो लोग भिड़ गए थे क्योंकि प्रशासन का यहाँ पे दायित्व एकदम नगण्य दिखता है। फिलहाल हम है यहाँ पे, ताला लग चुका है, और यहाँ पे रैयत का कहना है कि हम बच्चों को पढ़ाने के लिए ये भवन को दे देंगे, जो बेसहारा बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए भवन हम उनको दे देंगे। फिलहाल हम है इस भिट्ठा क्षेत्र में, जगतपुरी कॉलोनी है ये, कांकेकाया क्षेत्र है। दोबारा आपसे मुलाकात होगी इसी तरह के मामलों के साथ, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जुहार रहेगा।